और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बताते चले, कोरोना से जंग पर पूरी दिल्ली लॉकडाउन होगी। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है, दिल्ली के सातों जिले लॉकडाउन किए जाएंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अपील की गई कि प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान तो सुबह से लेकर रात 9 बजे तक के लिए किया, लेकिन आप उसके आगे भी सतर्क रहें। और इन सब के बीच अब ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, दिल्ली के सातों जिले लॉकडाउन होंगे। इसके पहले हम सब ने देखा था कि किस तरह से एहतियातन राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब थे, उनकी ओर से कहा गया है कि 15 जिले लॉकडाउन किए जाते हैं, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम जिले शामिल हैं। इन सब के बीच अब दिल्ली सरकार की ओर से ये बड़ा निर्णय लेते हुए फैसला किया गया है कि कोरोना से जंग में पूरी दिल्ली लॉकडाउन रहेगी। दिल्ली के सभी 7 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उनकी ओर से कहा गया है कि मैम, हम 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और दोगुनी पेंशन प्रदान कर रहे हैं उन लोगों को जो इसको डिजर्व करते हैं। इसके अलावा मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो पेड लीव प्रदान करें, घरेलू मदद में भी हेल्प करें। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, उसके मद्देनजर पूरे दिल्ली NCR में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। दिल्ली के सातों जिले होंगे लॉकडाउन, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। राजधानी दिल्ली को लॉकडाउन किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि एहतियातन बड़े कदम उठाए गए हैं तमाम दूसरे राज्यों की ओर से भी, जिनमें महत्वपूर्ण वो राज्य राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 15 जिले जो लॉकडाउन रहेंगे और दिल्ली के सातों जिले लॉकडाउन रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी एहतियातन कदम उठाते हुए कई शहरों को लॉकडाउन किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें जो इस मुश्किल भरे वक्त में भी हमारी उम्मीदों को जिंदा करती हैं, जगाती हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आती हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आज तक की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल आज जनता कर्फ्यू के दिन पूरा का पूरा देश सुबह से लेकर इस वक्त तक, क्योंकि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया, रुका सा नजर आ रहा था। न रेलगाड़ियां चली, न मेट्रो, न दफ्तर खुले, न मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, पूल, सब कुछ बंद। लेकिन वक्त उन लोगों के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था जो इस मुश्किल भरे वक्त में भी उन लोगों को बचाने के लिए लगातार लगे हुए थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर जीवन देने वालों को सलाम करता हुआ ये पूरा देश। और वही तस्वीरें अलग अलग शहरों की, अहमदाबाद, नागपुर, अमृतसर की ये तस्वीरें। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कोरोना से जंग पर पूरी दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया है। दिल्ली के सातों जिले लॉकडाउन होंगे। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भी 67 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई थी। वहीं एक खबर सामने आई थी जब सफदरजंग अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति जो छलांग लगाकर जिसने खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल दिल्ली NCR पूरी तरह से लॉकडाउन रहेंगे, ये बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आई है। ये बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से और हर बड़े कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के मद्देनजर। अब आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर लॉकडाउन क्या होता है। बहुत सारे ऐसे दर्शक जिनको नहीं पता कि लॉकडाउन क्या होता है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी देंगे, हमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा, सीधे आपको लेकर चलेंगे लाइव। लेकिन क्या होता है लॉकडाउन, उसके बारे में जानिए। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था है जो एपिडेमिक या किसी आपदा के वक्त सरकारी तौर पर लागू की जाती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।